आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद शबीब आलम, आपका नवाए बंगाल न्यूज चैनल पर खैर मुकदम है। आज हम चापदानी के 7 नंबर वार्ड में रतन साहू जी से आज बात करेंगे। सियासी मैदान में मैदान की लड़ाई के साथ आज फिर मैदान में उतरे हुए डलहौसी मैदान के लिए आज हम उनसे कुछ खसूसी बात करेंगे। लेकिन इस साल भी फिर एक लड़ाई के मैदान में उतरे हैं, लेकिन मुद्दा फिर कहीं मैदान तो फिर नहीं है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि मैं 7 साल से बैठा था। हाँ, ये बात तय है कि 2015 के चुनाव को मैं तृणमूल का ही प्रार्थी था और मैं महज 168 वोट से हार गया था, लेकिन हारने के बाद भी मैं अपने 7 नंबर वार्ड को छोड़ा नहीं, मैं वहीं पर पड़ा रहा। जो हमसे बन पड़ा जनता का सेवा करते रहे, लेकिन एक्टिवली सेवा मैं 2019 से उतर गया हूँ और ये गुजरे 3 साल हो गया मैं एक्टिवली। कोरोना काल में जो वैक्सीन का जरूरत था तो तमाम हमारे पार्षद जो है हाथ उठा दिए थे, लेकिन मैंने 1000 लोगों को वैक्सीन वहां पर दिलवाया था। सिलर न रहते हुए मानविक जो दीदी का स्कीम है उसमें लोगों को मैं उत्साहित करके फॉर्म फिलअप करके वो भी दिलवाया हूं। लोग पाए हैं हमारे से आज ममता बनेगी जो खिदमत जो करते मैं करते आया हूं, और है ओल्ड एज पेंशन 400 से 1000 दीदी ने किया, आज मुफ्त में राशन आप कल्पना कर सकते हैं। और मैदान बचाओ पुकुर बचाओ जो आंदोलन लिया है, मैं देख रहा हूं कि मैं तो आया ही राजनीति में 1993 में डलहौसी ग्राउंड जब टूटा तो उसको बचाने के लिए लड़े और मैदान और लगातार 95 से क्रिकेट टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट उस मैदान में हो रहा था। और 2015 गुलिस्ता हम जब तक थे 26 जनवरी को भी लास्ट क्रिकेट का टूर्नामेंट उस मैदान में हुआ, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो पार्षद है वो खेला धूला चौपट कर दिए और ये पूरा डलहौसी क्षेत्र को गोला बना दिया सीमेंट बालू ईंटा का। इस तरह का इंजाम कितना दुरुस्त है, एकदम आप वहां जाओगे तो आपको चलेगा कि 2018 तक इन्होंने यही काम किया, रास्ता घाट कुछ नहीं बनवाया। एक हिसाब से तो आपके पार्षद में दूसरा जो पार्षद रह चुके हैं ये सीधे इल्जाम लगाना होगा। ये इल्जाम जो है अगर गलत हो तो इसका जांच कर लीजिए, मैं जब लगा रहा हूं तो मैं पूरे होशो हवास में लगा रहा हूं। ठीक है, तृणमूल आपको फिर से भरोसा किया, टिकट दिया है, भरोसा किया। आप जनता को पब्लिक को अपने वोटरों को क्या बोलकर वोट मांगेंगे? हम वोटर को यही कहेंगे कि पश्चिम बंगाल नेत्री हमारी ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रहा है और ममता बनर्जी जो कहती है वो करती है, उसी के एक सैनिक के रूप में हम आज आपको वादा करते हैं कि ग्रीन सिटी बचाओ के तहत मैदान जो चला गया है चाहे हमारे पार्षद जो भी कर चुके हो, लेकिन मैंने अपने चेयरमैन सर और अपने नेत्री को तमाम जगह चिट्ठी दे चुका हूं, मैं सब जगह चिट्ठी दे चुका हूं कि जो चला गया चला गया, अब मैदान नहीं जाना चाहिए। सांसद बन के आता हूं तो मैं अंत तक लड़ूंगा, ग्रीन सिटी के तहत मैदान को सजाया जाएगा और बदस्तूर ग्राउंड को एक रूप दिया जाएगा और उसी मैदान में फुटबॉल से शुरू करेंगे हम फिर ग्राउंड। यानी कि ये मैदान आपका ड्रीम प्रोजेक्ट में है? ड्रीम प्रोजेक्ट में है ये, जनता इस बार उनको विचार कर इन्हें सोच लिया कि अब हम झगड़ा नहीं दीदी का बदला नहीं बदलाव की नीति पर लड़ेंगे, तुम जितना जुलम कर लो जनता इस बार आपको फैसला करके बता दे। जनता से अपील करेंगे इस जंगल राज से अगर मुक्ति पाना है डलहौसी ग्राउंड को बचाना है आपको अपना सम्मान का लड़ाई लड़ना है और दीदी का पॉलिसी जो है कि दोनों कौम के लोगों को साथ लेकर, क्योंकि हमारे साथ दीदी के साथ रहने वाले मुसलमान भाई हमारे साथ होली खेलते हैं और हम उनके ईद बकरीद के साथ मुहर्रम में भी उनके साथ शरीक होते हैं। साल में एक LIC का एजेंट कैसे करोड़पति बनता है ये जनता देखे, जनता के ऊपर है, जनता चाहेगी दीदी के आदर्श और रतन साहू को मानेगी ले आएगी, लेकिन मुझे अपने जनता पर पूरा विश्वास है पूरा कर देंगे। हमको बोलता है लेकिन हुकूमत तो आपकी सरकार की, हमारी सरकार के तो ताज्जुब की बात है, वही तो लोग कहता है कि गणतंत्र बंगाल में नहीं है, मैं तो कहता हूं आके 7 नंबर वार्ड में देखो कि क्या अवस्था है। हमने बात नहीं कि सभी चीजों को प्रशासन को जनाए, लेकिन अब एक चीज जो गलती मैंने किया है कि न गुस्सा न झगड़ा, जनता पर विचार होगा, लेकिन अगर कोई सोचे कि हम बूथ दखल कर लेंगे वो नहीं होने देंगे, जनता को अपना अधिकार मताधिकार प्रयोग होगा और जनता जिसको चाहेगी वो जीत कर आएगी। से अपील करेंगे इस बार इनका MLA नहीं इनका कोई नहीं, इसलिए अपना वो बहुमूल्य वोट कांग्रेस को देकर बिगाड़िए मत, दीदी के सैनिक के रूप में हम हमेशा आपके साथ थे,
हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। मैं आपसे जनता से यही अपील करूंगा, भगवान के लिए भी प्रार्थना करूंगा कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आप पर विश्वास रखता हूं। 7 नंबर वार्ड को नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे सुरेश मिश्रा दीदी और हमारे नेतृत्व के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। आप देख रहे थे नवाई बंगाल न्यूज़ से रतन साहू।